टाइम के साथ सभी लोग और सभी चीज़ें आगे बढ़ रही है, और इन्हीं के साथ हमारी एक और चीज़ आगे बढ़ रही है, वो है हमारी बीती यादों को कैद करने वाला हमारा कैमरा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैमरा टेकी चैनल। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो आज हम बात करेंगे कैमरा के इवोल्यूशन और जर्नी के बारे में कि कैमरा कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पहुँच चुका है। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एंशिएंट टाइम्स में कैमरा ऑब्स्क्यूरा से। अगर आपने कैमरा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये एक सिंपल पिन होल डिवाइस होता है जिसकी मदद से एक सरफेस के ऊपर सीधी नहीं बल्कि उल्टी फोटो प्रोजेक्ट हो पाती है। और जो ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा था वो मॉडर्न कैमरा तक पहुँचने की पहली नींव थी, और इस नींव को रखा था चाइनीज फिलोसोफर मोजी ने, जिन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा, लाइट रिफ्लेक्शन और इमेज प्रोजेक्शन के बारे में लिखा था। इसके बाद काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी, जिसके बाद अरब के स्कॉलर इबिन अल हयाथम पहले इंसान बने जिन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा इन्वेंट किया। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं 19th सेंचुरी में, जहां लुईस डगे ने इंट्रोड्यूस किया डैगेरोटाइप कैमरा, जो पहला प्रैक्टिकल मेथड था परमानेंट इमेज कैप्चर करने का, जो पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैला अपनी पहली पब्लिक प्रेजेंटेशन के बाद 1839 में पेरिस में, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ 1840s और 1850s में। सन 1800 के लास्ट में यानी कि 1888 में कैमरा की इस जर्नी में एक रेवोल्यूशन आया, और वो था रोल फिल्म कैमरास का, जो आया जॉर्ज ईस्टमैन के कोडक कैमरा से। कोडक कैमरा ने फोटोग्राफी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में काफ़ी हेल्प करी अपने फेमस स्लोगन यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट से। इसके बाद कैमरा पहुँचा 20th सेंचुरी में, जहाँ 35mm फिल्म फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि ये कैमरा फोटोग्राफर को ज़्यादा मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। इसको इन्वेंट किया था ऑस्कर बर्नैक ने, जो पब्लिकली लॉन्च हुआ था 1925 में। 20th सेंचुरी के बीच में यानी कि 1948 में हमें मिला हमारा पहला पोलोराइड कैमरा मॉडल 95, जिसकी खूबी थी कि वो खींची हुई फ़ोटो को उसी वक्त प्रिंट करके देता था, और ये फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी में एक टर्निंग पॉइंट था जो आया एडविन हर्बर्ट लैंड की वजह से। 20th सेंचुरी ख़त्म होने से पहले ही दुनिया ने एक और रेवोल्यूशन देखा, जब 1975 में स्टीवन सैसॉन के डिजिटल कैमरा ने रिप्लेस किया फिल्म को, जिसमें इंस्टेंट प्रीव्यूज़ और आसानी से इमेज शेयर करने जैसे फीचर्स देखने को मिले। आज के ज़माने में हर किसी के पास कैमरा है और हर कोई फोटोग्राफर है, और ये हो पाया है स्मार्टफोन कैमरास की वजह से। स्मार्टफोन कैमरा हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, जो हमारी कहीं भी कभी भी कोई भी मोमेंट्स कैप्चर करने में हेल्प करता है, जिससे हम उन मोमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं उस कैमरा की तरफ जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी पॉपुलर हो गया है, जो है मिररलेस कैमरा। मिररलेस कैमरा में आपको DSLR जैसे ही फीचर्स देखने को मिलते हैं, पर इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। और जो पहला मिररलेस कैमरा था वो कमर्शियली मार्केट में लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें कैमरों में यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। जैसे अभी AI टेक्नोलॉजी की मदद से कैमरा किसी भी सीन में ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, सीन रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन जैसी चीज़ें कर पा रहे हैं। कैमरा की इस जर्नी में और क्या क्या नया देखने को मिलेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कैमरा टेकी चैनल को सब्सक्राइब करें।